शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत जाती उम्रा पहुंचा दी गई है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर एयरपोर्ट से मैयत वसूल की है। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा बाद नमाज जहर शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। मरहुमा को जाती उम्रा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज अब्बास नकवी से। अब्बास आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम नून के मरकजी रहनुमा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम की जो बरियत है वो तकरीबन आधा घंटा पहले जाती उम्रा के साथ शरीफ मेडिकल सिटी है वहां पर सर्दखाने में रखवा दी गई है और 1:30 बजे के करीब जो है नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। कभी इम्कान यही है कि इलामा राजिद नईमी जो है वो शमीम बेगम का नमाज जनाजा जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी में पढ़ाएंगे। इस हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज जैसा कि मैयत जो है खाने में रखवाने के बाद वापस जाती उम्रा पहुंच चुके हैं और अब तक कुछ देर में नून लीग की दीगर क्यादत जो है वो भी जाती उम्रा पहुंचना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो है शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर जो है नमाज जनाजा के हवाले से सूरत हाल जो है क्लियर हो जाएगी। जबकि इसके साथ साथ शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और शरीफ मेडिकल सिटी की सिक्योरिटी और उसके साथ पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद जो है वहां पर तैनात की गई है और जनाजे के बाद जो है जो शमीम बेगम का जनाजा है उसको जो है जाती उम्रा के अंदर दफन किया जाएगा मियां शरीफ और कुसुम नवाज के साथ। जी अच्छा, ये बताइएगा अब्बास के कौन कौन शरीक होगा सियासी रहनुमाओं में से, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, इस हवाले से नून लीग की क्यादत में राना सनाउल्ला, राना तनवीर, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और अताउल्ला तारा और नून लीग की जो दीगर क्यादत है वो फिर कुछ देर में जो है जाती उम्रा पहुंचेगी। तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम दिया गया है दीगर लोगों को जनाजे में शिरकत के लिए, क्योंकि तमाम लोगों को, किसी को भी जाती उम्रा नहीं बुलाया गया, तमाम लोगों को शरीफ मेडिकल सिटी बुलाया गया है सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से और शरीफ मेडिकल सिटी में ही नून लीग की सारी क्यादत इकट्ठी होगी और वही हमदा शाहबाद और नून लीग की दीगर क्यादत जो है शमीम बेगम का नमाज जनाजा अदा करेगी और उसके बाद जनाजे को लेके जाती उम्रा आया जाएगा और वहाँ उनकी तस्वीर की जाएगी। अब्बास ये भी बताएगा कि एसओपीज के हवाले से कितने लोगों को शिरकत की इजाजत दी गई है? जी अगर एसओपीज के हवाले से बात करें तो एसओपीज के हवाले से यहाँ पर किसी को भी नहीं रोका गया। नून लीग के जितने कारकुनान हैं, नून लीग के जितने एमपीएस हैं, पंजाब के जितने एमएनए एमपीएस हैं, उन सबको दावत दी गई है कि वो जनाजे में शिरकत कर सकती हैं। तो कभी इम्कान यही है कि जनाजे में शिरकत करने के हवाले से लोगों की जो तादाद है वो सैकड़ों से हजारों में भी जा सकती है, क्योंकि शरीफ मेडिकल सिटी के जिस जगह पर जनाजा अदा किया जा रहा है वहां पर पहले कुलसुम नवाज का भी जनाजा अदा किया गया था और एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जो दास के अंदर जो है नमाज जनाजा अदा की जा सकती है फासला रख के। अब देखना यह है कि नून लीग की जो क्यादत है वो कितना सौ फीस पर अमल करती है और कोरोना के हवाले से मजीद कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास इन तफसीलात।